सबसे पहले हमें फ्रेंड्स अपने पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आगे का क्या प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ, खुल जाने दीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हमारा पाई ब्राउज़र ओपन हो गया फ्रेंड्स, पाई एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ये उसका डैशबोर्ड है और हमें जो है इसमें ये थ्री डॉट्स पे जाना है। ये थ्री डॉट्स पे जाने के बाद चाहे तो आप डायरेक्टली पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ये सिस्टम दिया गया है। ये हम थ्री डैश पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमारा यहीं सामने दिख जाएगा, ये ऊपर से तीसरा नंबर पाई ब्राउज़र पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइन इन टू पाई ब्राउज़र, हमें इस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा पहले से इंस्टॉल है इसलिए डायरेक्टली हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली उस पेज पे जा रहा है ये। अगर आपके पास ना हो तो पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और जिस अकाउंट से आपने पाई माइन करने के लिए जो आपने अकाउंट बनाया है पाई एप्लीकेशन के लिए, उसी अकाउंट से इसमें आपको लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है और लॉगिन करना है, साइन इन करना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये हम नीचे आ जाएंगे पाई केवाईसी पाई पे, हमने केवाईसी पाई पे क्लिक कर दिया। अब ये कुछ खुलेगा, इसमें देखते हैं क्या खुलता है। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले अपना, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, उसको किस कंट्री का हमारा आईडी है। तो हम यहाँ से इंडिया ले लेते हैं, यहाँ टाइप करते हैं इंडिया, ये इंडिया आ गया। और फ्रेंड्स इंडिया टाइप करने के बाद हमें आईडी टाइप डालना है। ये आप आईडी टाइप में देख सकते हैं, इसमें आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो आप दे सकते हैं। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, ये हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ परमिशंस मांगेगा, इसमें टिक मार्क आपको कर देना है, ये तीनों पे चाहो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप दो ऑप्शन है, आई डिसलाइन और आई एग्री, तो आपको आई एग्री पे ही करना होगा क्योंकि हमें केवाईसी करना है, तो हमें तो आई एग्री पे ही करना होगा, तो हमने आई एग्री पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक दिया है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर, मतलब कहने का मतलब कि मैं 18 वर्ष हूँ या 18 वर्ष से अधिक हूँ, इस पर हमने चेक मार्क कर दिया। फिर उसके बाद एक और आया है आई एग्री टू पे 1 पाई टू वैलिडिटर्स, जो कि 1 पाई किसी को जाएगा इसमें, ये देखिए हमने इस पर भी कर दिया। और आधार कार्ड के फ्रंट और बैक का फ़ोटो मांगा, आपको अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने फ्रंट का और बैक का दोनों फ़ोटो इसमें अपलोड कर दिया है। और करने के बाद कुछ जब आप नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो है सब कुछ अपना डाल देना है। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऑप्शनल है और लास्ट नेम कंपलसरी है। जेंडर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, लाइन वन लाइन टू, ये सब आपको डाल देना है। उसके ये सारे डिटेल आपको डाल देना है, जी पोस्टल कोड डाल देना है, यहाँ कंट्री रेजिडेंस और आईडी नंबर यहाँ डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारा डिटेल अपना भर देता हूँ, भरने के बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने सारा डिटेल इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद जो है हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देखते हैं क्या खुलता है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि आपको कुछ सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मांगेगा और इमेज वो सब ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा। तो चलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इमेज देते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो है वीडियो अपलोड होने के बाद, यहाँ पर हम वीडियो अपलोड कर रहे थे, इमेज टाइप का आ रहा था, वीडियो 2-3 सेकेंड का या 5 सेकेंड का वीडियो लेगा वो। और वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह का आप सबमिट जब करेंगे तो कुछ इस तरह का डिटेल्स आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और सारे डिटेल्स आने के बाद
फ्रेंड से आपको चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये देखिए आप जो है इसमें हमारा जो जो हमने फ़ोटो खींच के डाला है वो सब आ गया है। और फ्रेंड से सबमिट एंड पे, ये सब देखने के बाद यहाँ पर आप 1 पाई पे करेंगे तो हमें सबमिट एंड पे कर देते हैं। चलिए हम पे कर देते हैं और यहाँ से हम अपना कंफर्मेशन देंगे कि हमारा जो हमने डेटा डिटेल दिया है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो हमारा सब कुछ ठीक है, तो हमारा सब कुछ ठीक है और यहाँ से हम यस डेटा इज एक्यूरेट, हमने डेटा इज एक्यूरेट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है, जब तक इस लिखा हुआ है अपलोडिंग योर डाटा डोंट लीव द ऐप, तो आपको यहाँ से बैक नहीं आना है, ये आपका डाटा अपलोड हो रहा है। ये देखिए और हमारा डाटा अपलोड हो गया। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर KYC अप्लीकेशन, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द स्टेटस ऑफ योर अप्लीकेशन वेरी सून, इफ़ यूर अप्लीकेशन इज अप्रूव्ड यू कैन अप्लाई टू बिकम ए KYC वैलिडेटर इन द फ्यूचर। तो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको ये बता दिया जाएगा। अब यहाँ से आप नीचे से स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ स्टेटस देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, इससे काफ़ी आपको KYC करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, इतना आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।